हेलो फ्रेंड, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर स्वागत है। आज हम लोग लीड 2021 के लिए डिजिटल रिटायंस पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, क्या इसका सिलेबस है और कहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो पहला चैप्टर आएगा जिससे वो है नंबर सिस्टम, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है लॉजिक गेट, तीसरा है बुलियन एलजेब्रा और चौथा है एडर एंड सबट्रैक्टर, पांचवा है फ्लिप फ्लॉप, छठवां है इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनसे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें सभी ब्रांच वाले लड़के बैठते हैं और सभी ब्रांच से क्वेश्चन आता है, सभी सब्जेक्ट से, इसलिए इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए नंबर रैंक डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे, पहला चैप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर। ये क्या होता है, किसी भी नंबर का हम लोग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें कई नंबर सिस्टम होते हैं, मेनली 4 प्रकार के स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम होते हैं। जो पहला होता है बाइनरी होता है, सेकंड नंबर पर आता है जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, तीसरा जो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और चौथा जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। यहाँ पर सिस्टम मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है बेस या रेडिक्स। ठीक है, बेस या रेडिक्स के हिसाब से ही हम लोग के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर सिस्टम को। तो ये देखते हैं जो जो कौन कौन सा स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है। जो बेसिक नंबर सिस्टम है वह है, पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम है, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम है और तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इन नंबर सिस्टम को देखने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेना पड़ता है, तो आइए उसको देखते हैं क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बिट्स क्या होता है, बाइनरी डिजिट को ही हम लोग बिट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, तो बाइनरी नंबर पढ़ाऊंगा उसमें बाइनरी डिजिट क्या होता है उसको आपको समझ जाएगा। वही 0 और 1 को ही बोलते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है, 0 और 1, 0 है एक सिंगल है, 1 है, यही बिट्स है, सिंगल को ही सिंगल डिजिट को ही बोलते हैं, बाइनरी डिजिट को ही बिट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 4 बिट हैं तो क्या हो जाएगा, 1 निबल कहलाएगा, अगर 8 बिट हैं तो 1 बाइट कहलाएगा, और 1024 बाइट हैं तो 1 किलो बाइट कहलाएगा, 1024 किलोबाइट है तो 1 मेगाबाइट कहलाएगा, 1024 मेगाबाइट है तो 1 गीगाबाइट हो जाता है। ठीक है, 1024 गीगाबाइट है तो 1 टेराबाइट हो जाता है। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, और ये जो है नीचे 3.32 बीट को 1 डिट कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को देखते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, देखिए बेस क्या होता है उसका 2 होता है। जैसे एग्जांपल हम कैसे लिखते हैं इसको, कोई भी नंबर लिख लेंगे यहाँ पर और उसका ब्रैकेट वर्क उसको बेस लगा देते हैं 2। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, और डिजिट कितना इंक्लूड होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है n-1। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम का आप निकाल देते हैं कितना डिजिट होता है। ठीक है, जैसे n क्या है यहाँ पर, बेस है। ठीक है, बेस या रेडिक्स है। ठीक है, तो 2 है यहाँ बेस हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, तो क्या हो जाएगा 2-1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, मतलब 0 और 1 हो जाएगा। इसी बाइनरी डिजिट को हम लोग बिट बोलते हैं। ठीक है, 0-1 को ही हम लोग बिट बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर सिस्टम देखते हैं जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस और रेडिक्स क्या होता है, बेस या रेडिक्स इसका 10 होता है। ठीक है, डिजिट कितना इंक्लूड होता है, n-1 निकाल लेंगे हम लोग, 10 बेस है, 10-1 9 होगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक आएगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएगा। ठीक है, इतना आपका डिजिट इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, 9 डिजिट होते हैं टोटल, 9 तक होता है, मतलब 10 होते हैं। ठीक है, तो अब देखना है हमें एग्जाम्पल कैसे लेते हैं और कैसे इसको देखा जाए। इसमें पूछ लेता है, जैसे पूछेगा इसमें क्या आपका क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। ठीक है, देखिए 1084
यहाँ ये नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि देखिए क्या होता है, 10 है, 10 से यहाँ अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 बेस है तो 10 यहाँ से अधिक कोई नहीं है। देखिए 4 है, 8 है, 0 है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बेस से अधिक कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए 09 और बेस क्या है 10 है, ए क्या है आपका अधिक हो जा रहा है, ठीक है। एक मतलब क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, 10 से 10 हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। 10 हरदम बेस से क्या होना चाहिए, हरदम कम होना चाहिए। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है आपसे लीट में नंबर सिस्टम से। चलिए अगला नंबर सिस्टम देखते हैं हम लोग, जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम देखते हैं, इसमें क्या बेस क्या होता है इसका, 8 होता है। डिजिट इंक्लूड कितने होते हैं, 8 - 1 7 होंगे इंक्लूड, 0 से लेकर 7 होंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। एग्जांपल देख लेते हैं, 2 5 6 8, ये क्या है आपका, देखिए 8 बेस है आपका, 8 से सभी नंबर क्या है इसमें कम है, ठीक है। ये 6 है, 5 है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है और बेस भी 8 है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके लिए एग्जाम में, पूछ लिया जाता है, जैसे पिछले भी एग्जाम्पल बताया था किस तरह पूछा जाता है, इसको भी इसी तरह पूछा जाता है, कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है इसमें या है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे जाएंगे, आप समझ देंगे, उसमें पूछेंगे। जैसे इसमें देखिए क्या है, 2 8 7 है, यहाँ क्या है 8 आ जा रहा है इसमें, उन्हें बेस की अकॉर्डिंग आ रहा है। इसमें देखिए नंबर क्या है आपका, डिजिट कितने 0 1 2 3 4 5 6 8 कहीं नहीं आ रहा है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर 8 दे दे रहा है, इसलिए यह क्या है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, जितना बेस दिया रहेगा यहाँ पर उससे कभी भी उसके बराबर या उसके अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, नंबर सिस्टम में। कितना समझ में आ गया आपको। चलिए हम लोग अगला नंबर सिस्टम देखते हैं, जो हमारा क्या है, वह है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारा नंबर सिस्टम है वह है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी आपको मालूम चल जाएगा कुछ देरी में। तो इसका बेस और डिजिट कितना होता है, 16 होता है। डिजिट इंक्लूड कैसा होगा, ईयर माइनस वन निकाल लेंगे, वहाँ से हो जाएगा। तो 16 - 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब 0 to 15 यहाँ पर नंबर आएंगे। देखिए 0 से 15 टोटल नहीं होते हैं यहाँ पर, 0 से 9 तक होते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ABCDEF तक आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक आएंगे। उसके बाद क्या होंगे, 10 के बाद यहाँ पर 10 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है, 10 के बाद ABCDEF आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल क्या है हमारा, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। सभी नंबर सिस्टम में जितना हमारा उसका बेस होता है उतना ही नंबर सिस्टम होता है, जितना उतना ही डिजिट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है आप, यहाँ पूछ लेगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम कितने टोटल नंबर होते हैं, डिजिट इंक्लूड होते हैं, तो आप बता देंगे उसको, ठीक है। जितना उसका नंबर बेस रहेगा उतना ही रहेंगे डिजिट इंक्लूड, ठीक है। तो यहाँ बेस कितना है, 16 है, तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर इंक्लूड होंगे, 16 हो जाएंगे। 0 to 15 होंगे, ठीक है, 0 to 9 होंगे, और 8 to F हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ए को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए क्या हो जाएगा आपका 10 होता है, एक वैल्यू 10 होते हैं। 11 को क्या लिखते हैं हम लोग, बी लिखते हैं। 12 को क्या लिखते हैं हम लोग, सी लिखते हैं। 13 को लिखते हैं हम लोग, डी लिखते हैं। और 14 को क्या लिखते हैं हम लोग, ई लिखते हैं। और 15 को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्यों इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम होता है तो होता है हेक्सा नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द नंबर इन बोथ अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिकली, सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। क्या होता है, इसमें हम लोग अल्फाबेटिकली भी और न्यूमेरिकली दोनों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट भी आता है और न्यूमेरिक वैल्यू भी आता है, ठीक है। जैसे यहाँ 0 से लेकर 9 तक यहाँ क्या है आपका नंबर है, और 0 A to F तक क्या है आपका, वो आपका अल्फाबेट, इसलिए हम लोग अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलता है, ठीक है। अब जो लड़के नहीं जानते रहेंगे, पूछ लेगा अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम किसको बोलते हैं, ऑप्शन दे रहे 4, आप लोग नहीं जा पाएंगे, आपको मालूम रहेगा, आप टिक मार के चले आएंगे, ठीक है। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2 A 5 6, अब बेस क्या रहेगा, 16 रहेगा। तो इसको हम लोग इस एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, हम लोग ये नंबर जो दिया है इस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे एक्सा नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, और जितने भी लड़के लीड के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।